मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्वाली निर्वाचन क्षेत्र में 161.58 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग की 21 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग मंडल ज्वाली के अंतर्गत 3 परियोजनाओं के लोकार्पण तथा 10 परियोजनाओं के शिलान्यास किए हैं। उन्होंने नगरोटा सूर्या में 6.17 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन और अटल आदर्श विद्यालय कोटला का लोकार्पण किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगरोटा सूर्या बस स्टैंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ज्वाली निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को तीव्र गति से विकास करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में चहुमुखी विकास बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। उन्होंने कोविड-19 संकट के बीच केंद्र और राज्य सरकारों को समर्थन देने और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट काल से राष्ट्र को बाहर निकाला और जीवंत पारदर्शी और गतिशील नेतृत्व प्रदान किया। विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने कोरोना संकट के दौरान प्रदेश सरकार के सहयोग की बजाय सरकार की आलोचना ही की और किसी प्रकार की सहायता नहीं की। उन्होंने राज्य में लोकसभा आम चुनाव 2019 में भाजपा को सभी सीटें देने और हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में बहुमत प्रदान करने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजना और कार्यक्रमों जैसे जनमंच, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना, हिम केयर योजना, सहारा योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बस्तियां, ये सारी चीजें हमने कहा कि एक साल के अंदर यानी कि अगले साल जो है इसी महीने जो है 2022 में पूर्ण करके उद्घाटन के लिए तैयार होनी चाहिए और ताकि उन लोगों को मेरा तो नाम ही ऐसा है, नाम लेते ही जय श्री राम होती है। और हमारे मित्र कई जो इस नाम से जो इस नारे से बहुत परेशान होते हैं, जब हमारे नाम का जिक्र होता है तो दुखी हो गया। मित्र, इस राज्य में बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकता हूं। हमें हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के इलाज के लिए हिम केयर की शुरुआत की। गरीब लोगों के लिए 150 करोड़ अभी तक हम हिम केयर के अंतर्गत गरीब लोगों के इलाज के लिए खर्च करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए शुरू की। जब मैंने देखा कि 22 लाख लोग हिमाचल के उसमें कवर हो रहे हैं, जिनको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर उसमें मिल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।